घर से लापता नाबालिग लड़की को मायापुर पुलिस ने किया दस्तयाब। खनियाबाद थाना तहसील के मायापुर थाना अंतर्गत ग्राम महरोली निवासी एक नाबालिग लड़की 10 दिन पहले घर पर बगैर बताए लापता हो गई। परिजनों ने सभी जगह तलाश करने के बाद मायापुर थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने तलाश शुरू की और अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया, जिसका पता नाबालिग को चला, जिसके बाद वह खुद मायापुर थाना पहुंची और पुलिस को बताया कि घर पर किसी बात को लेकर पापा मम्मी ने उसे डांटा और झगड़ा किया, जिसकी वजह से अपने रिश्ते में लगने वाली बहन के यहाँ वह चली गई थी। और इधर परिजनों ने थाना में मेरी गुमशुदगी दर्ज करा दी तो मैं अपने आप थाना में आकर हाजिर हो गई। साथ ही नाबालिग ने बताया कि ना तो मैं किसी के साथ भागी थी और ना ही मेरे साथ कोई घटना घटी है। तब पुलिस ने नाबालिग के परिजनों को थाना में बुलाया और बयान दर्ज कर नाबालिग को परिजनों को सौंप दिया है। खनिया थाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। सर, एक लड़की गुम हो गई करीब 8 दिन पहले, दस्तयाबी हो गई है, क्या पूरा मामला है? ये मामला है, मैरोली निवासी महेश लोधी है। उन्होंने आके 16 तारीख को बताया था कि उनकी लड़की है नाबालिग 16 साल की, बिना बताए घर से चली गई है। तो उनकी रिपोर्ट पर थाने में गुमशुदगी 5/24 और धारा 363 का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। उसकी तलाश की, लगातार तलाश की गई, आज वो दस्तयाब हुई है। उससे पूछताछ की, उसके माँ बाप को बुलाया, माँ बाप के सामने उससे पूछताछ की तो उसने बताया उसकी मम्मी ने उसको डांट दिया था, इसलिए वो अपनी बड़ी माँ के यहाँ चली गई थी। बड़ी माँ वहीं खाँच कुआ में रोले में, वो अलग कुएँ पर रहती, उनके यहाँ चली गई थी। आज उसको पता चला कि उसकी पिताजी ने रिपोर्ट कर दी, इसलिए वो माँ बाप के साथ इधर आई, दस्तयाब हो गई है। उसने बताया कि उसके साथ ना तो कोई उसको भगा के ले गया था, ना उसके साथ कोई घटना दुर्घटना हुई है। उसके माँ बाप के सामने उससे पूछताछ की गई और दस्तयाब करके उसके माँ बाप को सपोर्ट कर दिया।